आप देख रहे हैं कुकिंग विद जोया और मैं हूँ जोया। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिंगर बर्गर। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 किलो मैंने चिकन थाइस ली हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी ले रही हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सब कुछ मैं चिकन के मैरिनेशन के लिए ले रही हूँ। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी लेमन जूस और सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखें चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 1.5 से 1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करेंगे सबसे पहले हम इस चिकन का एक पीस लेंगे, इसको फ्लोर के अंदर अच्छी तरह से इस तरह कोट करेंगे। फ्लोर के अंदर हम इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखें मैं किस तरह से इसको कोट कर रही हूँ। मैदे और चिकन के पीस को अच्छे से हाथ के अंदर इस तरह से लेके फिर इसको घुमाई जा रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसको पकड़ के एक दफ़ा झाड़ूंगी। ये देखें थोड़े थोड़े इसके ऊपर क्रम्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे तकरीबन 5 सेकेंड के लिए। इसी के साथ मैं इसको इसके अंदर से निकाल लूंगी। इसको अब हम दोबारा से फ्लोर के अंदर कोट करेंगे। अच्छी तरह से फ्लोर ऊपर इसके लगा देंगे, इस तरह से इसको दबाएंगे। तो देखें इसको अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको अच्छे से हम झाड़ेंगे। ये देखें कितने अच्छे इसके ऊपर क्रम्स आ गए हैं। ये देखें तो अच्छी तरह से हम झाड़ेंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बारी बारी हम इसकी कोटिंग करेंगे। फ्लोर के अंदर हम कोई भी चीज़ शामिल नहीं कर रहे, सिंपल फ्लोर है। फ्लोर के अंदर जब हम कोई मसाला डालते हैं, नमक या फिर कोई और चीज़, नमक पानी छोड़ देता है जिसकी वजह से आपकी कोटिंग बहुत सख्त हो जाती है। इसलिए फ्लोर के अंदर हम कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे और पानी भी बिल्कुल हमने सिंपल पानी लिया है, इसके अंदर भी हमने कोई भी चीज़ शामिल नहीं की। अब हम कोटेड चिकन को फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया एक पैन में। हम इसको डीप फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल काफ़ी ज़्यादा लिया है। अब हम इसको, ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखा है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। फ्लेम में हाई कर रही हूँ। इसको कवर नहीं करेंगे हम इसी तरह से इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। देखें 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए कितने अच्छा क्रिस्पी हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आ गया है। इसको हमने अंदर डालते ही बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। अगर हम इसको हाथ लगाएंगे या हिलाएंगे इसको तो फिर इसके क्रम उतर जाएंगे। देखें 3 मिनट हुए हैं, हम इसकी साइड चेंज करके देखते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरह से।
देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब मैं आपको जिंगर बर्गर की सॉस बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, 1/4 कप मायोनीज, 2 टेबलस्पून केचप, टमाटो केचप, और 1 पिंच मैंने साल्ट लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल के अंदर मैं डाल दूंगी मायोनीज, इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी केचप, नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है, ये रेडी है। अब हम बर्गर की असेंबलिंग करते हैं। देखें सब कुछ रेडी है। ये देखें हमारा चिकन कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है। अब हम असेंबलिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ बंस। ये देखें इनको मैंने टोस्ट कर लिया है। सबसे पहले बन के ऊपर मैं लगाऊंगी सॉस जो हमने रेडी की है, इस तरह से। इसके ऊपर हम रख देंगे 1 चिकन का पीस और इसके ऊपर बंद गोभी रख देंगे। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी रखें। इसके ऊपर हम थोड़ी सी फिर से सॉस रखेंगे, इस तरह से। और इसके ऊपर हम बन रख देंगे। तो देखें हमारा जिंगर बर्गर रेडी है। ये देखें कितना क्रिस्पी लग रहा है। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी तैयार कर लेती हूँ। देखें रेडी है हमारे जिंगर बर्गर। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें बाहर से कितने क्रंचिंग हैं और अंदर से देखें बिल्कुल जूसी पके हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से चिकन पक चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना मत भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।